आज के इस वीडियो में हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस एंडोस्कोप कैमरे की। इसे हम स्नेक कैमरा भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह है जहां पर आपका नॉर्मल कैमरा नहीं जा सकता, वहां पर भी आप इस कैमरे को पहुंचा सकते हैं। लैपटॉप से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप चाहें अपने मोबाइल से इसे कंट्रोल करना तो आप मोबाइल से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आपको यह एंड्रॉयड कैमरा देखने मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है SD कैमरा, हालांकि इसकी क्वालिटी को हम आगे चेक करेंगे। बॉक्स कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा। अगर हम बात करें केबल की तो यहाँ पर हमारे पास का जो वेरिएंट है वह है 5 मीटर। बॉक्स कंटेंट में यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक मिरर देखने मिल जाता है, एक यहाँ पर आपको हुक देखने मिल जाती है और एक आपको मैग्नेट देखने मिल जाती है। इसका क्या यूज़ है आगे मैं आपको बताऊँगा, बट यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद अगर हम बॉक्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको एक CD मिल जाती है जहाँ पर आपको इस कैमरे का सॉफ्टवेयर मिल जाता है अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर एक फुल यूज़र मैनुअल मिल जाता है कैसे आपको इस कैमरे को यूज़ करना है, एंड्रॉयड फ़ोन से किस तरह कनेक्ट करना है, लैपटॉप से किस तरह कनेक्ट करना है, और आपको एक QR कोड मिल जाता है जिसके माध्यम से डायरेक्टली आप इसके ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह तो थे हमारे बॉक्स कॉन्टेंट। अब हम डालते हैं मेन प्रोडक्ट पर नज़र। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको केबल का एक बंच देखने मिल जाता है। यह 5 मीटर की केबल है। अगर आपको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप 10 मीटर या 15 मीटर्स में भी इस कैमरे को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक बहुत ही स्मॉल कैमरा देखने मिल जाता है। अगर हम इसे पेन के ढक्कन से भी कंपेयर करें तो यहाँ पर पेन का जो ढक्कन होगा वह इस कैमरे से बड़ा होगा। आगे आपको LED मिल जाती हैं, अगर आप रात में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप LEDs को भी यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको कंट्रोलर मिल जाता है जिससे आप कैमरे की LED को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं या उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कनेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको V8 कनेक्टर देखने मिलता है। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो QR कोड के माध्यम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप kkmoom.com पर पहुँच जाते हैं जहाँ से आपको इस कैमरे की एप्लीकेशन फाइल को डाउनलोड करना होता है। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने कैमरे को मोबाइल से, तो हमारे जो मोबाइल में पोर्ट है वह है Type-C और यहाँ पर जो पोर्ट है वह है V8। इसके लिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर यूज़ करेंगे जो है Type-C to V8 कन्वर्टर। इस कन्वर्टर के माध्यम से आप Type-C वाले पोर्ट में भी इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट करते ही हमारा यह कैमरा लाइव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उस तरह से इस पर्टिकुलर कैमरे की क्वालिटी है। लाइट अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऑन है। अगर आप लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कंट्रोलर मिलता है, इसके माध्यम से आप लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यह क्वालिटी ख़राब है, हालांकि यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कैमरा है और आपके पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एड ऑन की जो कि हमको बॉक्स में मिले थे। सबसे पहले अगर हम बात करें मिरर की तो अभी हमारा जो कैमरा है वह सिर्फ और सिर्फ सीधा देख रहा है, बट अगर आपको अपने साइड के ऑब्जेक्ट को भी चेक करना है तो इस कंडीशन में आपको साइड का व्यू भी चेक करना है तो इस मिरर के माध्यम से आप साइड का व्यू भी आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रोडक्ट का जो सबसे यूज़फुल पार्ट मुझे लगा वह थी इसकी यह मैग्नेट। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। इस मैग्नेट को आप अपने कैमरे में माउंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारी यह मैग्नेट माउंट होती है। अब आपका पर्टिकुलर कोई भी आइटम है जो कि गिर गया है, आप उस पर्टिकुलर आइटम को उठाना चाहते हैं या फिर पाइप में कुछ फंस गया है तो इस मैग्नेट के माध्यम से आप उसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक टेम्परेरी पाइप बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मैग्नेट फोकस में दिखती है और जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ना चाहते हैं बस वह लोहे का होना चाहिए क्योंकि यह मैग्नेट है, तो उसे आप आसानी से इस मैग्नेट पर चिपका सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस मैग्नेट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है। मैग्नेट के माध्यम से आप इसकी क्षमता अनुसार काम करवा सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट एड ऑन की जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसे हम बोलते हैं हुक। अगर आपके सिंक में या पाइप में या किसी भी ऐसी जगह कोई सामान फंस जाता है या कोई कचरा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो उसे आप इस हुक के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यह प्रोडक्ट यूज़फुल ना हो, बट जब आपको इमरजेंसी होगी तब आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की याद आएगी। यह कैमरा आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाता है तो आप पानी के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें लैपटॉप से कनेक्ट करने की
तो जैसे हमने इसे मोबाइल से कनेक्ट किया, ठीक इसी तरह से आपको इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। लैपटॉप के लिए डिफरेंट ऐप आता है, तो आप उसे डाउनलोड करके इस कैमरे को लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस कैमरे को हर जगह पहुंचा सकते हैं, जहां पर आप नहीं पहुंच पाते वहां पर आप इस कैमरे को पहुंचा सकते हैं, बट सेफ्टी का ध्यान रखें। फाइनली इस कैमरे की हम प्राइस की बात करते हैं। इस कैमरे का आज की डेट में जो प्राइस है वह है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। अगर आप इस कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।